नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायबरेली जिले में ताबड़तोड़ घटित हो रही वारदातों को लेकर गंभीर हुए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन व अपर एसपी शशि शेखर के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोखर पुलिस व स्वात सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस टीम ने नकदी सहित अवैध तमंचा व कारतूस, मोबाइल और बाइक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि भदोखर पुलिस व स्वात सर्विलांस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को धर दबोचा गया है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार शातिर लुटेरा जिले में घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहा था। यही नहीं, हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था, जिसके बाद पुनः लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार आरोपी पर लगभग 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जनपद के अलावा इस पर महाराष्ट्र में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। घटना का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर गोपीनाथ सोनी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सोनू सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह, जो अमेठी जिले का रहने वाला है, इसके खिलाफ 14 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कुछ हमारे रायबरेली जनपद में, कुछ अमेठी में है, इसके अलावा ये महाराष्ट्र में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये अंतर्राज्यीय स्तर का लुटेरा है, जिसको भदोखर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से नगद 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।